like communists. No, I can never ever get back all the things I missed. I'm that man, they think you. दोस्तों 2015 में, यानी आज से लगभग 8 साल पहले, जब मैंने स्टॉक मार्केट के बारे में सीखना शुरू किया था, उस टाइम पर मैं कॉलेज में था और तब मैं सोचता था कि अगर स्टॉक मार्केट से थोड़ा बहुत खर्चा भी निकल जाता ना तो ये बहुत अच्छा होता। पर तब मैंने नहीं सोचा था कि एक दिन ऐसा भी आएगा कि मैं अपने घर के लॉन में खड़ा होकर आपको बोल रहा हूँ कि चलिए ऑफिस चलते हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको अपना ऑफिस दिखाने वाला हूँ, साथ ही अपनी टीम से भी मिलाने वाला हूँ। तो चलिए ऑफिस चलते हैं। अच्छा, ऑफिस जाते जाते आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ कि जब मैंने स्टॉक मार्केट के बारे में सीखना शुरू कर दिया था तो अब मुझे इन्वेस्ट करने के लिए ना एक डीमैट अकाउंट खुलवाना था। बट ये 2015 के आसपास की बात है, तो उस टाइम पर ऑनलाइन वाले डीमैट अकाउंट पे ना भरोसा नहीं होता था, ऑनलाइन फ्री में खुल जाते थे। तो मुझे लगता था कि अरे ऑनलाइन वाले बेकार होंगे, जो ऑफलाइन डीमैट अकाउंट खुलते हैं वो अच्छे होते हैं, मैं ऐसा समझता था उस टाइम पर। आज तो मैं सारे ऑनलाइन वाले ही डीमैट अकाउंट यूज़ कर रहा हूँ। तो मुझे ऑफलाइन एक डीमैट अकाउंट खुलवाना था जिसको खुलवाने के लिए 600 रुपये लगते थे। अब मैं कॉलेज में पढ़ता था, मेरे पास बहुत ही लिमिटेड पैसे होते थे, घर से सिर्फ किराया ही मिलता था कॉलेज जाने का, तो 600 रुपये बहुत ज़्यादा थे मेरे लिए। तो मैंने सोचा कि अब 600 रुपये आएंगे कहाँ से। तो फिर मुझे आइडिया आया कि मेरे जो नाना जी थे, मैं जब भी उनके घर जाता था तो जब वापस आता था तो वो मुझे तब 100 रुपये दिया करते थे। तो मैंने एक महीने में 6 चक्कर मार दिए नाना जी के घर के, और ऐसे करके मैंने 600 रुपये इकट्ठा किए थे और उससे मैंने अपना डीमैट अकाउंट खुलवाया था। फिर जब मैंने ये डीमैट अकाउंट खुलवा लिया, फिर मैंने बहुत चीज़ें की, और उसके बाद अब जब मैं ये सब कुछ कर चुका था तो मैंने सोचा था कि वो सब कुछ भी मैं नाना जी को दिखाऊंगा। बट उससे पहले ही जनवरी में नाना जी की डेथ हो गई और ये सब कुछ मैं उन्हें दिखा नहीं पाया, तो इसका बहुत दुख है मुझे। तो पहुंच गए हम ऑफिस, लेकिन इस सब की शुरुआत ऐसे नहीं हुई थी। जब हमने इस ऑफिस को फाइनल किया था तब ये कुछ ऐसा दिखाई देता था। उसके बाद सबसे पहले हमने इसकी फॉल्स सीलिंग करवाई, फिर हमने वॉल्स बनाने के लिए वुडन फ्रेम्स बनवाए, फिर बनी वॉल्स, और उसके बाद आया फर्नीचर, और फिर साथ ही साथ हमने इंटीरियर का काम भी करवाया। और ऐसे 2 महीने तक लगातार दिन रात काम होने के बाद बना हमारा ये ऑफिस। तो चलिए अब ऑफिस देखते हैं। तो पहुंच गए हम ऑफिस। अब सबसे पहले मैं आपको अपना कैबिन दिखाता हूं, उसके बाद मैं आपको बाकी एरिया भी दिखाऊंगा और फिर अपनी टीम से भी मिलाऊंगा। तो ये है मेरा कैबिन। यहां पर मैं सुबह सुबह आते ही पूजा करता हूं भगवान की, उसके बाद मैं आता हूं और यहां पे बैठ जाता हूं। यहां पर मेरा लैपटॉप मैं रखता हूं, उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पे डेली हम लिख के रखते हैं कि हमें किस टॉपिक के ऊपर काम करना है या किस चीज़ से रिलेटेड काम करना है, वो नोट्स हम यहाँ पे लगा के रखते हैं। जैसे जो ऑफिस टूर वाली भी वीडियो हमने बनानी थी उसका भी हमने यहाँ पे लिख के रखा है। तो उसके बाद मैं क्या करता हूँ कि डेली अपना यहाँ पे लैपटॉप निकालता हूँ, जो भी मेरी रिसर्च वगैरह से रिलेटेड काम होता है उस काम को मैं देख लेता हूँ। इसके अलावा ट्रेडिंग से रिलेटेड अगर कुछ करना है तो वो भी मैं देख लेता हूँ। इसके अलावा मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर आप देखिए मेरे सबसे पहले 2 गोल्डन बटन्स हैं, मेरे 2 YouTube में चैनल्स हैं, एक NJ टॉक्स करके भी है उसके भी हैं, और यहाँ पे 2 मेरे सिल्वर बटन्स रखे हुए हैं। अब ये आप देख रहे होंगे कि मैंने यहाँ पे जो गॉडेस ऑफ जस्टिस को रखा है, इसको रखने के पीछे पर्पस ये है कि मैंने लॉ कर रखा है, इवन मैंने LLM कर रखा है। पहले मैंने BA LLB किया था, फिर मैंने मास्टर्स इन लॉ जो कि LLM होता है वो किया था, तो मैं एक एडवोकेट भी हूँ। बाकी मुझे ये जो सिंबल है बहुत पसंद भी आता है, और साथ में आप देखेंगे तो ये हमारा जो गोल्डन बटन है ना इसके साथ मैच भी कर रहा है। इसके अलावा यहाँ पे आप देखेंगे हमने काफ़ी सारी बुक्स रखी हुई हैं, ये तो थोड़ी बहुत ही बुक्स हैं, इसके अलावा बहुत सारी बुक्स मैंने घर में रखी हुई हैं। ये मेरी वन ऑफ द फेवरेट बुक है, एटॉमिक हैबिट्स। एक हमने यहाँ पे लायन रखा है, इसके अलावा यहाँ पे हमने एक ईगल भी रखा है, इसके अलावा यहाँ पे आप देखेंगे मैंने ये एक स्वान रखा है। ये आप जानते होंगे कि ये पेशेंस का प्रतीक है, तो स्टॉक मार्केट में पेशेंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है।
अब यहाँ की हमारे ऑफिस की जो सबसे प्यारी चीज़ है वो है ये लोकेशन। यहाँ से जो नज़ारा देखने को मिलता है ना, मुझे नहीं लगता कि कहीं के भी ऑफिस से देखने को मिलता होगा। और वो नज़ारा देखने के लिए हमें इसको ऊपर करना पड़ेगा। अब देखिए, जैसे ही हम इसको ऊपर करेंगे तो यहाँ से जो नज़ारा दिखता है ना, वो देखकर बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। अब सामने बहुत ही प्यारी पहाड़ियाँ हैं, बिल्डिंग्स भी हैं, सब कुछ देखने को मिलता है। और मैं देहरादून से बिलोंग करता हूँ, हमारा ऑफिस भी देहरादून में ही है। और देहरादून की खासियत ही यही है कि यहाँ पे पहाड़ी वगैरह है, एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है, लोकेशंस बहुत प्यारी प्यारी हैं। तो इस जगह पे काम करके बहुत ही सुकून सा मिलता है। और अपना काम वाम करके अगर इस जगह पे हम देखें, बैठ जाएं, तो वो बहुत मज़ा आता है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न था कि हमने इस लोकेशन को फाइनल किया था। तो ये है मेरा कैबिन जो आपने ऑलमोस्ट देख लिया है। तो अब मैं आपको अपना बाकी ऑफिस दिखाता हूँ और अपनी टीम से भी मिलवाता हूँ, स्टूडियो भी मैं आपको दिखाऊंगा। यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पे हमने बहुत सारी ग्रीनरी भी कर रखी है। ये जितने भी प्लांट्स आप देख रहे हैं सभी हमने नेचुरल प्लांट्स लगा रखे हैं। यहाँ पे जो हमारा एरिया है, जब हम इसके अंदर एंटर कर जाते हैं तो यहाँ पे हमारा वर्क स्टेशन का एरिया शुरू हो जाता है। यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे प्रभाष का चैम्बर है। यहाँ पे प्रभाष है जो हमारी कंटेंट से रिलेटेड जो भी चीज़ें होती हैं उसको प्लान करना होता है, हम क्या बनाने वाले हैं, इवन बहुत सारी चीज़ें प्रभाष ही हमारी यहाँ पे मैनेज करते हैं। हायरिंग से रिलेटेड चीज़ें भी प्रभाष यहाँ पे देखते हैं हमारी। यहाँ पर हमने बुद्धा जी भी रखे हुए हैं, हमने प्लांट्स लगा रखे हैं, पानी गिरने की यहाँ पे आवाज़ आ रही है, तो पूरा नेचुरल सा फील यहाँ पे आता है। और इसी वजह से हमने ये सारी चीज़ें कर रखी हैं, ये सभी नेचुरल प्लांट्स हमारे यहाँ पे हैं। अब यहाँ पे हम आगे चलते हैं तो ये वाला भी एरिया हमने पूरा प्लांट्स का लगा रखा है। अब यहाँ पे अंशुमन बैठे हैं, अंशुमन भी हमारा कंटेंट से रिलेटेड स्ट्रेटजीज जो होती हैं उन सबको प्लान करते हैं। इसके बाद ये वाला जो एरिया है, यहाँ पे हमारे एडिटर्स और रिसर्चर्स बैठते हैं। ये हैं बॉबी जो हमारी एडिटिंग करते हैं, ये प्रिंस हैं, ये सूरज हैं, ये भी एडिटिंग करते हैं। अब ये वाला जो एरिया है हमारा, यहाँ पे दीप बैठते हैं जो कि हमारे एडिटर हैं, वो आज छुट्टी पे हैं। दीप ने लाइफ में कभी छुट्टी नहीं ली, आज पहली छुट्टी दीप ने ली है, वो आज के दिन ही दीप को छुट्टी लेनी थी। आप देख सकते हैं ये वाली जो वीडियो है इसमें अंशुमन आपको दिखाई दे रहे हैं। हमारा एक और चैनल है वेल्दी विजडम नाम से, जिसमें हम डेली स्टॉक मार्केट से रिलेटेड जो न्यूज़ होती हैं, दिन भर जितनी न्यूज़ होती हैं वो सारी न्यूज़ एक ही वीडियो में हम दिखा देते हैं। तो ये इसमें अंशुमन और प्रभाष यहाँ पे शूट करते हैं, तो वो भी हमारा एक चैनल है, आप उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, वेल्दी विजडम उसका नाम है। तो उसकी भी एडिटिंग यहाँ पे चल रही है। ऐसे जो हमारी एडिटिंग होती है वो एक ही बंदा नहीं करता है, हम साथ में टीम मिलके पूरी एडिटिंग करती है, जिससे हमारी एडिटिंग थोड़ी फास्ट हो जाती है। और इसके साथ अलावा हमारे वहाँ पे रिसर्च करने के लिए रिसर्चर्स बैठे हैं, यहाँ पे भी रिसर्च चल रही है। इसके अलावा जो यहाँ पे आप लाइट्स देख रहे हैं ऊपर, जो भी लाइट्स हमने लगा रखी हैं सभी फ्लिकर फ्री लाइट्स हैं, ताकि अगर कभी हमें यहाँ पर भी शूट करना हो, जैसे आज हम यहाँ पे शूट कर रहे हैं, तो कैमरा के साथ इसमें कोई प्रॉब्लम ना आए, इसलिए फ्लिकर फ्री लाइट्स का हमने यूज़ किया है। इसके अलावा ये आप देख रहे हैं, ये हमने वोल्टास के एसी लगा रखे हैं, ये सभी कैसेट एसी हैं, ऊपर माउंट हो रखे हैं, और ये चार चार टन के दो एसी हमने यहाँ पे लगा रखे हैं। इसके अलावा यहाँ पे हमने कुछ पेंटिंग्स लगा रखे हैं, कुछ कोट्स लगा रखे हैं। इसके साथ ही यहाँ पे आप देखेंगे हमने रुपी का साइन लगा रखा है, भाई पैसा ज़रूरी है इसीलिए लगाया है। तो ये हमारा वर्क स्टेशन है जहाँ पे ये सारा काम होता है। इसके अलावा यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ जो हमने लगाई है, क्योंकि फायर का बहुत ज़्यादा खतरा रहता है, इसलिए हमने यहाँ पे ऊपर एक छोटा सा आपको दिखाई दे रहा होगा, ये हमने फायर एक्सटिंग्विशर लगा रखा है, और ये ऑटोमेटिक है। अगर कभी भी फायर जैसा कुछ होता है, ना हो लेकिन अगर कभी होता है, तो वो भी हमने यहाँ पे सिस्टम ऐसा रखा है कि वो ऑटोमेटिकली आग को बुझा सकता है। इसके अलावा अगर कभी ऐसी कोई प्रॉब्लम आती है तो हमने यहाँ पे मैनुअल फायर एक्सटिंग्विशर भी रखे हैं, जिसको यूज़ किया जा सकता है। अब यहाँ पे हमारा एक स्टूडियो है, इसके बाद इस स्टूडियो में चलेंगे। वर्क स्टेशन का एरिया आपने हमारा ऑलमोस्ट देख लिया है, तो अब हम चलते हैं सीधा हमारे फर्स्ट वाले स्टूडियो में, जहाँ पे मैं वीडियो शूट करता हूँ। हमारा एक स्टूडियो, यहाँ पे हमारी वीडियो शूट होती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस तरीके की हम लाइट्स का यूज़ करते हैं, ताकि जब मैं यहाँ पे बैठा होता हूँ तो यहाँ पे वो लाइट मुझ पे फोकस होती है। एक और हम गोडॉक्स की लाइट यूज़ कर रहे हैं, ये दोनों गोडॉक्स कंपनी की लाइट्स हैं और इसका नाम है SL60W। ये दोनों हम लाइट्स यूज़ कर रहे हैं। इसके अलावा ऊपर भी जो लाइट्स आप देख रहे हैं ये सभी फ्लिकर फ्री लाइट्स हैं, ताकि जब भी हम शूट कर रहे हो तो कैमरे में कोई भी फ्लिकर ना आए। इसके अलावा यहाँ पर हम अकॉस्टिक शीट्स का यूज़ कर रहे हैं, ये सभी अकॉस्टिक शीट्स हैं जो कि एको को एब्जॉर्ब करती हैं। बाहर अगर आप देख रहे होंगे तो थोड़ा सा एको आ रहा होगा, यहाँ पे बिल्कुल एको नहीं आ रहा होगा। और जब भी हम वीडियो शूट करते हैं तो वहाँ पे हमें एको नहीं चाहिए होता है, इसलिए हम यहाँ पे अकॉस्टिक शीट का यूज़ करते हैं। ये सारी अकॉस्टिक शीट यहाँ पे लगी हुई है। और इसके अलावा जब भी मैं वीडियो बनाता हूँ तो मैं यहाँ पे इस तरीके से बैठा होता हूँ, कुछ इस तरीके से हम बैठे होते हैं। लाइट्स को हम क्लोज़ कर लेते हैं, और पीछे हमने यहाँ पे एक लाइट रखी हुई है जो कि ये लाइट है, ये एक लाइट है जिससे हम पीछे के कलर्स चेंज कर लेते हैं।
जैसे अगर मैं आपको ये सीन दिखाऊं कि कैसे मैं बैठ के शूट करता हूं, मैं यहां पे कुछ इस तरीके से बैठता हूं और ये दोनों जो लाइट्स होती हैं ये मुझ पर फोकस कर रही होती हैं। इसके बाद जो पीछे की लाइट आप देख रहे हैं, ये वाली लाइट का हम अपने हिसाब से कलर चेंज कर लेते हैं। जैसे अभी आपको इसका एक कलर दिख रहा है, ग्रीन कलर अगर हमें चाहिए तो हम इस तरीके से चेंज कर लेते हैं, हमें ब्लू कलर चाहिए तो हम इस तरीके से चेंज कर लेते हैं, येलो कर सकते हैं, ऑरेंज कर सकते हैं, बहुत सारे कलर हम अपने हिसाब से इसमें चेंज कर सकते हैं। तो ये वाली लाइट हमारे बहुत ज़्यादा काम आती है हमारे बैकग्राउंड को डिज़ाइन करने के। और इस तरीके से मैं बैठ के यहाँ पे शूट करता हूँ, यहाँ पे बोलता हूँ, कई बार कुछ चीज़ें होती है तो वो मैं यहाँ पे रख के रखता हूँ। अब ये वाला जो टेबल है ये हमारा हाइट एडजस्टेबल टेबल है, इसकी हाइट हम ऊपर नीचे कर सकते हैं, इसको बस इलेक्ट्रिसिटी से हमें कनेक्ट करना होता है और उसके बाद इसकी हाइट ऊपर नीचे की जा सकती है। तो इस तरीके से हमारा कुछ शूट होता है। अब यहाँ पे आपने देखा होगा कि रिसेंटली हम डिजिटल बोर्ड में भी शूट करने लगे हैं, तो वो हमारा सेकंड स्टूडियो है, वो भी हम आपको दिखाएंगे। तो ये हमारा जो स्टूडियो है, यहाँ पे अकॉस्टिक शीट होने की वजह से हमारी जो आवाज़ है वो काफ़ी क्लियर हो जाती है। इसके लिए हमने नीचे यहाँ पे मैटिंग भी करा रखी है, हमारे जो दोनों स्टूडियो हैं वहाँ पे हमने ये मैटिंग करा रखी है, और ताकि हम आवाज़ को यहाँ पे अब्सॉर्ब कर सके, यहाँ पे साउंड को प्रॉपरली हम इसको रिकॉर्ड कर पाएँ, इसलिए इस तरीके का स्टूडियो होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमने बैक साइड पे कुछ भी नहीं लगाया ताकि हम कलर्स के थ्रू उसको अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। तो ये सभी चीज़ें हमारे इस वाले स्टूडियो में हैं। अब यहाँ पर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है हमारा कैमरा, जिसके थ्रू हम शूट कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम सोनी का A74 कैमरा का यूज़ कर रहे हैं और इसके ऊपर हम सिग्मा का 35mm का लेंस यूज़ कर रहे हैं। और ये कंप्लीट हमारा सेटअप है, ये हमारा ट्राइपॉड है, इसके अलावा एक और जिसके थ्रू अभी इस वीडियो को शूट किया जा रहा है वो भी हमारा सोनी का A74 ही कैमरा है। तो ये बिल्कुल सेम कैमरा है और सेम ही लेंस के थ्रू इसको हम शूट कर रहे हैं। तो ये हमारा फर्स्ट स्टूडियो है जहाँ पे हम नॉर्मल शूट करते हैं। अब कोई शूट अगर हमें ट्रेडिंग स्ट्रेटजी बतानी है, कोई ऐसी चीज़ हमें बतानी है जो हम बोर्ड पे ही समझा सकते हैं, तो उसके लिए हमारा सेकंड स्टूडियो यहाँ पे है। यहाँ पे भी आप देखेंगे हर जगह पे हमने ग्रीनरी कर रखी है, यहाँ पे भी पूरा ग्रीन्स है और यहाँ पे एक छोटी छोटी चिड़िया भी लगा रखी है हमने तो ये सारी यहाँ पे ग्रीनरी है। इसके बाद ये है हमारा सेकंड स्टूडियो जहाँ पे जो भी हमारे चार्ट से रिलेटेड चीज़ें होती हैं वो यहाँ पे हम शूट करते हैं। ये हमारा यहाँ पे कैमरा लगा हुआ होता है, ये मेरा फर्स्ट कैमरा है, ये जो है कैनन 200D मार्क II है। इसके ऊपर भी हमने 35mm का इसमें लेंस लगा रखा है और ये कैमरा हम यहाँ पे यूज़ करते हैं। इसको एक बार मैं बंद कर देता हूँ ताकि बाहर की नॉइस यहाँ पे ना आए। तो यहाँ पे भी हमने चारों तरफ से और हर जगह पे यहाँ पे हमने अकॉस्टिक शीट्स का यूज़ किया है ताकि यहाँ पे कोई भी एको हमें सुनने को ना मिले। और ये है हमारा डिजिटल बोर्ड जिसमें मैं चीज़ें एक्सप्लेन करता हूँ। आपने अगर हमारी पिछली कुछ वीडियोज़ देखी होंगी तो वहाँ पे आप देख रहे होंगे कि हमने डिजिटल बोर्ड का यूज़ करना भी स्टार्ट कर दिया है। ये डिजिटल बोर्ड हमने कुछ टाइम पहले ही खरीदा है, अगर हमें कुछ भी यहाँ पे शो करना होता है तो वो हम इजीली दिखा सकते हैं। पहले हमारे पास ये वाला जो बोर्ड नहीं था तो हम ये नहीं दिखा पा रहे थे, इसमें हाथ से हम इजीली मिटा सकते हैं और यहाँ पे हम इजीली आपको बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर पाते हैं। इसके अलावा हमारे जो यूट्यूब चैनल्स हैं वो हमने यहाँ पे आपको दिखाने के लिए खोल रखे हैं। आपको पता होगा एक हमारा जो यूट्यूब चैनल है नीरज जोशी, जिस पे वीडियो आ रही है। इसके हमारा जो सेकंड चैनल है उसका नाम है वेल्दी विजडम, जिस पर हम फाइनेंस से रिलेटेड न्यूज़ पोस्ट करते हैं। इसके अलावा मेरा एक और चैनल है नीरज जोशी टॉक्स, और इसके अलावा कुछ व्लॉग्स वगैरह होते हैं वो बहुत रेयरली मैं डालता हूँ, लेकिन अब सोच रहा हूँ रेगुलरली व्लॉग्स डालूंगा। तो मेरा एक व्लॉग चैनल भी है नीरज जोशी व्लॉग्स के नाम से, तो आप हमारे इन चारों चैनल्स को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। और यहाँ पे इस तरीके से मैं चीज़ें एक्सप्लेन करता हूँ। अब क्योंकि ये जो हमारा डिजिटल बोर्ड है काफ़ी बड़ा है, तो इसके लिए हमने अलग से एक स्टेज बना रखा है जिस पर हम इसको ईजिली एक्सप्लेन कर पाते हैं और कैमरा के साथ भी हम ईजिली कैमरा को फेस कर पाते हैं। और यहाँ पर हमारी एक हमने ब्लेंड लगा रखी है। अब क्योंकि ये एक ऐसी जगह है जहाँ पे हमें लाइट्स को बहुत प्रॉपरली ट्रीट करना होता है, क्योंकि अगर हमें वीडियो बनानी है तो लाइट्स बाहर की आएगी तो हमारे कैमरा को वो डिस्टर्बेंस क्रिएट करेगी, इसलिए हमने ये वाली जो ब्लाइंड फोल्ड लगा रखी है वो ऐसी है जिसके बाद अंदर बिल्कुल भी लाइट्स नहीं आती है। अदरवाइज़ अगर हम खोलेंगे तो यहाँ से बहुत अच्छी धूप आती है। सर्दियों के मौसम में यहाँ पर बहुत मज़ा आ रहा था, अब तो गर्मी आ गई है तो यहाँ पर थोड़ा सा गर्म होने लगा है इसकी वजह से, लेकिन इसको क्लोज़ कर देते हैं तो बहुत अच्छा हो जाता है। इसके बाद यहाँ पर आप नोटिस करेंगे तो यहाँ पे हमने एक शीशा भी लगा रखा है। अगर हमें रेडी होना होता है, वीडियो बनानी होती है तो थोड़ा सा रेडी तो सभी होते हैं, तो उसके लिए हमने यहाँ पे शीशा लगा रखा है। तो यहाँ पे मैंने अपने कुछ कपड़े रखे हैं जिनको मैं ईजिली चेंज कर सकता हूँ। इसके अलावा यहाँ पर हमने बहुत सारी ऐसी चीज़ें रखी हुई हैं जिनकी हमें ज़रूरत पड़ती रहती है। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमारी CPU से रिलेटेड है, कैमरा का बॉक्स हमारा A74 वाला वो कैमरा है, एक कैमरा हमारा A74 ये रखा हुआ है, ये भी कुछ लेंसेज हैं। लेंसेज के बारे में मुझे
बहुत ज़्यादा नहीं पता है, जो हमारे सिनेमेटोग्राफर है उनको बारे में पता होता है, तो मुझे इनके बारे में बहुत ज़्यादा टेक्निकल नॉलेज नहीं है। और भी चीज़ें हमारी यहाँ पे रखी हुई होती हैं जो हमारे काम में आती हैं, तो ये इस तरीके से हमने यहाँ पे चीज़ें लगा रखी हैं। अब यहाँ पर जब हमने डिजिटल बोर्ड लगाया तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हमें आ रही थी लाइट्स की। अब अगर आपने देखा होगा हमारा जो दूसरा स्टूडियो था वहाँ पे हमने गोडॉक्स की लाइट्स लगा रखी थी, वो अगर हम पे फोकस करती हैं तो फिर वो स्क्रीन में प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं, इसलिए ऊपर यहाँ पर हमने लाइट्स को एक अलग डिज़ाइन में लगा रखा है, जिसकी वजह से यहाँ पर मेरे ऊपर जो प्रॉपर लाइट्स आनी है वो ढंग से लाइट्स आएँ और आप ढंग से इन चीज़ों को देख पाएँ। तो ये सारी चीज़ें हमें वीडियो बनाने के लिए करनी पड़ती हैं। तो यहाँ पर हमारे ये दो स्टूडियोज़ हैं, अब ये दो स्टूडियो आपने देख लिए हैं, वापस हम वर्क स्टेशन की साइड पर आ रहे हैं। तो ये आपने हमारा सेकंड स्टूडियो भी देख लिया है, तो ये हमारा वर्क स्टेशन आप ऑलरेडी देख चुके हैं, आपने मेरा ऑफिस देख लिया है, प्रभाष का ऑफिस देख लिया है, हमारे दोनों स्टूडियो देख लिए हैं। तो अब यहाँ पे हमारा किचन है जहाँ पर हमने बहुत सारी चीज़ें रखी हुई हैं। अब यहाँ पे आपको थोड़ा बहुत एको आ रहा होगा, तो ये हमारा किचन है जहाँ पे हमने थोड़ा बहुत खाने वाने की चीज़ें रखी हुई हैं, मैगी रखी है हमने यहाँ पे, कई बार भूख लग जाती है तो मैगी बना के खा लेते हैं, चाय कॉफ़ी वगैरह हमारी यहाँ पे बनती रहती है, तो हमने यहाँ पे एक इंडक्शन रखा हुआ है, यहाँ पे हमारा एक्वा गार्ड लगा है, और इसके अलावा एक छोटा सा फ्रिज भी हमने यहाँ पे रखा है, और इसमें अगर कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह कभी भी नहीं हो तो वो कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह जूसेस वगैरह हमने इसके अंदर रखे हैं, चॉकलेट भी रखी है इसके अंदर, तो ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पे रखी हैं, तो ताकि जो भी हम लोग साथ में काम कर रहे हैं तो साथ में इंजॉय भी करें, काम भी करें, ताकि मज़ा आता रहे, मज़ा भी आना ज़रूरी है। तो ये हमारा किचन है, तो अब आपने हमारा किचन देख लिया है, तो अब चलते हैं हमारे ऑफिस की सबसे ज़्यादा पसंदीदा जगह पर, जहाँ पर बहुत ज़्यादा रिलैक्स फील होता है। ये है हमारा वो एरिया जहाँ पर हम लोग अपना लंच करते हैं। यहाँ पे जब भी हमें टाइम पास मारना होता है, थोड़ा सा अच्छा फील करना होता है, तो हम इस एरिया में आ जाते हैं। यहाँ पे मतलब काम से थोड़ा सा रिलैक्स करना होगा तो ये एरिया पे बैठ के बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। हम यहाँ पे म्यूज़िक वगैरह चला लेते हैं और आराम से बैठ जाते हैं और इस तरीके से बड़ा रिलैक्स करते हैं। लंच भी हम लोग यहीं पे बैठ के अपना करते हैं। अब ये जो एरिया है ना, इसमें भी हमने इसकी थीम ऐसी ही रखी है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा शांत और सूदिंग और काम महसूस हो। जब हमने इस जगह को फाइनल किया था तभी इन ग्लासेस को देखकर मैंने सोच लिया था कि मैं इस जगह को बहुत ही एक प्यारी सी जगह बनाऊंगा जहाँ पे थोड़ा सा रिलैक्स हम लोग कर सकें। काम करने के बाद बहुत बार कई बार थक जाते हैं, जैसे आज भी हम वीडियो बनाकर थक चुके हैं, तो उसके बाद भी यहाँ पे रिलैक्स करने में बहुत अच्छा रहता है। साथ ही हम लोग यहाँ पे अपना लंच कर लेते हैं। यहाँ पे भी हमने प्लांट्स लगा रखे हैं, सभी आप हर जगह पे हमारे ऑफिस में जहाँ पे भी देखेंगे प्लांट्स ही प्लांट्स हैं। ये सारे नेचुरल प्लांट्स हैं और इनका हम बहुत ध्यान रखते हैं, बहुत प्यार से संजो के रखते हैं इनको, हम बहुत प्यार करते हैं हम इनको। तो ये हमने प्लांट्स लगा रखे हैं। अब भले ही हमने इस जगह को रिलैक्स करने के लिए बना रखा है, लेकिन फिर भी हमने यहाँ पे कैंडलस्टिक पैटर्न्स और चार्ट पैटर्न्स लगा रखे हैं, क्योंकि जब इंसान रिलैक्स फील कर रहा होता है ना तब उसे चीज़ें याद रह जाती हैं, तो ये चीज़ें हमने इसलिए लगाई हैं। और थोड़ा सा यहाँ पे स्टॉक मार्केट की फील भी आए, इसलिए भी हमने यहाँ पे ये चीज़ें लगा रखी हैं। कई बार अगर किसी को रिसर्च करनी होती है, वैसे तो वहीं पर करते हैं, लेकिन कई बार अगर करनी होती है तो यहाँ पर आके भी बैठ के कर लेते हैं रिसर्च जिनको करनी होती है। और यहाँ पर सबसे ज़्यादा प्यारी चीज़ जो हमने लगा रखी है वो है ये झूला। यहाँ पे बैठ जाना मतलब सारी थकान दूर हो जाती है और एकदम आराम से हम यहाँ पे रिलैक्स कर सकते हैं, बड़ा मज़ा आता है यहाँ पे, ऐसे सारे दुख दर्द भूल जाते हैं यहाँ पे। तो ये जगह बहुत अच्छी है, जो भी आता है उसको ये झूला मतलब उसका फेवरेट हो जाता है। अभी तो हम शूट कर रहे हैं, अदरवाइज़ इस झूले के लिए लड़ाई होती है कि पहले मुझे बैठना है या मुझे बैठना है, और ऐसे मतलब बारी में चलता रहता है सीन यहाँ पे। तो ये झूले वाला जो फील है बड़ा मज़ा आता है इस जगह पे। और बाकी लंच वगैरह हम लोग यहीं पे करते हैं। इसके अलावा यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे हमने नीचे ग्रास भी लगा रखी है ताकि थोड़ा और नेचुरल फील आए हमें। यहाँ पे हमारी सनलाइट भी नेचुरल हमें मिलती है, तो ये सारी चीज़ें भी हमारी यहाँ पे हो जाती है। इसके अलावा यहाँ पे हमारा स्टोर रूम है, अब स्टोर रूम में हमने थोड़ा बहुत चीज़ें रखी हुई हैं, कुछ हमारा सामान वगैरह जो है वो स्टोर रूम में पड़ा रहता है, जो फालतू का सामान होता है, बॉक्सेस, कुछ बड़े बॉक्सेस होते हैं वो भी हमारे यहाँ पे रहते हैं। इसके अलावा यहाँ पर हमने इन्वर्टर भी लगा रखा है, और ये 4 बैटरी का इन्वर्टर है, काफ़ी बड़ा इन्वर्टर है। कई बार लाइट चली जाती है, जनरेटर ऊपर होने में भी टाइम लगता है, तो कोई प्रॉब्लम ना आए इसके लिए हमारा यहाँ पे इन्वर्टर होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। और स्टोर रूम मैंने आपको दिखा दिया है, वो साइड वाली में वॉशरूम है, अगर हमें वॉशरूम जाना है तो वो एक वॉशरूम है। इसके अलावा ये एक और जगह है जिस जगह पर हम चाहें तो वॉशरूम बना सकते हैं। अभी तो यहाँ पर कुछ बनाया नहीं है, लेकिन हम सोच रहे हैं कि इसको भी हम वॉशरूम बनाएंगे। तो ये भी एक हमारे पास जगह है जहाँ पे हम
बना सकते हैं इसको भी वॉशरूम। तो ये हमारा बहुत ही रिलैक्स करने का एरिया है। इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट चीज़ मैं यहाँ पे आपको दिखाना भूल गया, ये यहाँ पे हमारे जितने भी लोग साथ में काम करते हैं, जो हमारी टीम मेंबर्स हैं, वो सबका सामान होता है, तो वो सामान वहाँ पे पड़ा रहे तो वो अच्छा ही लगता, इसलिए सब अपना सामान यहाँ पे अपने बैग्स वगैरह रख लेते हैं। सब ने अपने बैग्स वगैरह यहाँ पे रख रखे हैं, हेलमेट वगैरह रख लेते हैं। तो एक ऐसी स्पेस होना भी ज़रूरी है अगर आपका कोई ऑफिस है। अब देखो ये सब चीज़ें जो आज आप देख रहे हो ना, इसको देखकर प्लीज़ डीमोटिवेट मत होना। मेरा पर्पस आपको ये सब दिखाकर शो ऑफ करना नहीं है, डीमोटिवेट करना नहीं है। हमारा पर्पस है कि आप समझें कि जब मैंने शुरुआत की थी तब मैं बिल्कुल अकेला था, मैंने ये सब अकेले शुरू किया था, ना कोई मेरे पास बहुत ज़्यादा पैसे थे, ना कोई इतनी बड़ी टीम थी जो मैं ये सब कुछ कर पाता, बट फिर भी मैंने शुरुआत की और धीरे धीरे चीज़ें होती गई। कई बार फेलियर भी हुए हैं, मैंने बहुत सारे बिजनेसेस ट्राई किए हैं जिनमें मुझे फेलियर भी मिला है। उसके बाद मैंने बहुत जगहों पर ट्राई किया और कई जगह पर रिजल्ट मिले, कई जगह पे उतने ज़्यादा बड़े रिजल्ट्स नहीं मिले जितना मैंने सोचा था, बट फिर भी रिजल्ट्स मिलते गए। तो आपको भी बस काम करते रहना है, कई बार आपको प्रॉब्लम्स आएंगी, आप उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे और धीरे धीरे आप आगे बढ़ेंगे। अगर आप देखेंगे कि यार इसने तो ये सब कुछ कर लिया, मुझे भी एक दिन में ये सब कुछ करना है, तो इसको करने में मुझे कई साल लगे हैं। मैंने आपको बताया 2015 में मैंने स्टॉक मार्केट के बारे में सीखना शुरू कर दिया था, और शुरुआत के जो साल होते हैं ना, शुरुआत के सालों में आपको ग्रोथ बहुत स्लो दिखाई देगी। इवन एटॉमिक हैबिट्स बुक में भी बता रखा है कि जो शुरुआत की ग्रोथ होती है वो बहुत स्लो दिखाई देती है, जिसकी वजह से हमें लगता है कि यार कुछ हो ही नहीं रहा है, लेकिन एक ऐसा पॉइंट होगा जिस पॉइंट के बाद आपको अचानक से ग्रोथ देखने को मिलेगी। तो मैंने भी कई साल मेहनत की, कुछ सालों तक मुझे कोई रिस्पॉन्स देखने को नहीं मिला, लेकिन एक वक्त आया, दौर आया जब चीज़ें अच्छी होने लगी और एकदम से मेरे को बहुत अच्छी ग्रोथ देखने को मिली। तो आपको भी बस काम करते जाना है, ये देख के डीमोटिवेट नहीं होना है। हमारा ये सब कुछ दिखाने का पर्पस ये है कि आप सीखें, समझें कि हम किस तरीके से काम करते हैं। बहुत टाइम से हमने प्लान कर रखा था, इवन मैंने बताया ना, बहुत टाइम से यहाँ पे ये स्टिकर लगा है कि मैंने ऑफिस टूर की वीडियो बनानी है, लेकिन बार बार हम डिले कर रहे थे और कई बार और कामों में बिजी हो जा रहे थे। बट आज मैंने सोचा कि नहीं यार, बाकी सब छोड़ो, आज मुझे ऑफिस टूर की वीडियो बनानी है, और तब ये वीडियो बन पाई है। और फाइनली मुझे लगता है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आपने क्या सोचा था कि हमारा ऑफिस कैसा होगा, या हमारा कोई ऑफिस होगा या नहीं, मतलब आपका क्या थॉट था इससे पहले हमारे बारे में, प्लीज़ कमेंट्स में बताना। मैं सारे कमेंट्स पढ़ने वाला हूँ इस वाली वीडियो की, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत की है, तो कमेंट्स भी हम इसके सारे पढ़ेंगे। तो आपके क्या थॉट्स थे और अब आपको क्या लगता है, वो सब चीज़ें भी आप हमारे बारे में बताइएगा, और वो सब पढ़ के हमें बहुत अच्छा लगेगा। आप लोगों ने जितना प्यार दिया है हमें यूट्यूब में, हमने सोचा नहीं था हम यूट्यूब में इतना ज़्यादा ग्रो कर पाएंगे, लेकिन कर पाए हैं, वक्त के साथ सब कुछ हुआ है, और आप लोगों के प्यार की वजह से सब कुछ हुआ है। तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों की वजह से ही हम बहुत कुछ अपनी लाइफ में कर पाए हैं, और जो मोटिवेशन मिलती है वो उसका एक बहुत बड़ा रीज़न आप लोग हैं, तो इसके लिए दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी वीडियो कैसी लगी है कमेंट्स में बताएंगे ही आप, मुझे उम्मीद है, और वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, हमारे इस चैनल को तो सब्सक्राइब कीजिएगा ही। इसके अलावा हमारा एक नीरज जोशी टॉक्स नाम से चैनल है, वेल्दी विजडम नाम से चैनल है, और एक नीरज जोशी व्लॉग्स भी है। अगर आप इस टाइप के और व्लॉग्स देखना चाहते हैं, इवन मेरे घर के भी कुछ व्लॉग्स मैंने डाल रखे हैं, दिवाली के टाइम पे भी कुछ व्लॉग्स डाले थे, अगर आप वो व्लॉग्स भी देखना चाहते हैं तो आप हमारे नीरज जोशी व्लॉग्स वाले चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।